अगर आपका हो चुका है ब्रेकअप और आपको भी ये जानना, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया होगा कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है, वो बंदी आपके बारे में क्या सोच रही, वो बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है ब्रेकअप के बाद, उसकी माइंडसेट क्या होती है और साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए कॉल पे बात करने का चार्ज लगेगा, पहले बता दूं। ज्यादा जरूरत है तो ही जाके कॉल बुक करना, अदरवाइज वीडियो से आप अपना काम चला सकते हैं। अभी हम आते टॉपिक पे। किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे और उस इंसान के साथ हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप होने के बाद हमें एक चीज समझ नहीं आती कि अभी हम करना क्या चाहिए। पहली चीज मैं आपको बता दूं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उसी से हम डिस्कस करेंगे, उससे हम बातें करेंगे और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि उसके बारे में एज ए ह्यूमन साइकोलॉजी वो क्या थॉट्स आते हैं, या फिर क्या जो आपके बारे में आपके अंदर आते वही उसके अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़े से एक्सप्लेन करूंगा और ये वीडियो उन्हीं के लिए होगी जो लोग नो कांटेक्ट रूल और जो मेरी वीडियोस जो सही से फॉलो कर रहे हैं तो उनके पार्टनर के दिमाग में, लेकिन उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं होगी जो अपने पार्टनर के पीछे पागल की तरह भाग रहे, ब्रेकअप के बाद उसको 10 कॉल कर रहे, 10 मैसेज कर रहे, 15 कॉल कर रहे, 15 मैसेजेस, 100 मैसेजेस, उसको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, उसको परेशान कर रहे हो, उसको बार बार टॉर्चर कर रहे हो, बात कर रहे हो, बात करने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हो, उसको इरिटेट कर रहे हो, उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ब्रेकअप के बाद सामने वाले को स्पेस देते थे, जिस तरीके से हमने बताया ब्रेकअप के बाद क्या करना है हमारी वीडियोस में, नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करना है, साइलेंट, स्पेस, सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप चाहते फिर से हम बना देंगे वीडियो, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे अगर आप वो सारी चीजें फॉलो करें तो ब्रेकअप के बाद उसके माइंड में क्या चलता है, एक लड़की के माइंड में, एक लड़के के माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में, ठीक है। तो दो चार पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जो पहला वाला पॉइंट आएगा, आप खुद उसको कॉल करेंगे, कॉन्फिडेंस होता है। देखो स्टार्टिंग में ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद उस इंसान के माइंड में, देखो कोई भी इंसान ना, मैंने वीडियोस में बताया, कोई भी इंसान हमें तब नहीं छोड़ता जब वो हमें कांटेक्ट करे, मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस है तभी जाके। देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो जहां पे आपकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, और ये इंडिया का नेचर है, सब लोग यही करते, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 10,000 सैलरी है, आपको वो सैलरी अच्छी नहीं लग रही, मतलब आपको लगता है कि आप उससे और ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हो, तो आप किसी और कंपनी में ट्राई करोगे, ठीक है। किसी और कंपनी में ट्राई किया, उस कंपनी में आपको 15,000 सैलरी मिल रही, तो आप उस कंपनी में 15,000 सैलरी मिल रही, उस कंपनी में आप इंटरव्यू देके आओगे, आप तब तक ये जॉब नहीं छोड़ोगे जब तक वो जॉब ना मिल जाए। कब छोड़ोगे? जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरी तरीके से आपको श्योर है कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा फिक्स है जॉब, तभी जाके यहाँ पे आप मतलब रिजाइन दोगे, तब जाके ये वाली कंपनी छोड़ोगे। जब तक यहाँ फिक्स है तब तक ये कंपनी नहीं छोड़ोगे। वैसे वो इंसान है, जब तक वो कंफर्म नहीं है पूरी तरीके से कि मैं इसको ब्लॉक करूंगा तो ये आएगी या नहीं, जिस दिन वो कंफर्म हो जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि आपकी हरकतें, रोना धोना, हाथ जोड़ना, भीख मांगना, बिना रीजन के कॉम्प्रोमाइज करना, उसके पीछे भागना, इन गलतियों की वजह से क्या होता है, सामने वाला जो इंसान है उसको ये लगता है कि ये मेरे पीछे पागल है। फिर वो इंसान क्या करता है, फिर वो उस टाइम पे शोर हो जाता है। और जब इंसान, कोई भी इंसान आपको ब्लॉक कर रहा है या फिर कोई भी इंसान आपको छोड़ रहा है, तो याद रखना वो शोर हो चुका है कि आप उसको डेफिनेटली कॉन्टेक्ट करोगे। देखो कोई भी इंसान साइकोलॉजी की थी, कोई भी इंसान हमें तब ब्लॉक करता है जब उसको ये पता है कि हम उसको दूसरे नंबर से कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर उसको ये चीज पता है कि ये करेगा ही नहीं कॉन्टेक्ट, तो कोई आपको ब्लॉक नहीं करेगा। आपको ब्लॉक तभी करते लोग, आपको तभी छोड़ते कि ये खुद आएगा मेरे पास, इसीलिए इसको छोड़ दो। तो पहला पॉइंट यही है कि वो खुद ये सोचेगा आपके बारे में कि आप उसको कॉल करोगे, आप उसको कॉन्टेक्ट करोगे, ये उसके माइंड में थॉट्स होते पहले थॉट्स में, जब वो स्टार्टिंग में ब्रेकअप होता है, स्टार्टिंग के 4-5 दिन, 10-15 दिन होते तब, ठीक है। फिर दूसरा वाला जो पॉइंट आता है, थोड़े दिन गुस्से में रहेगा। देखो मैं आपको पहली चीज बताई कि सामने वाले इंसान को आपने इरिटेट किया, परेशान किया, उसने तुम्हें छोड़ा, छोड़ने का रीजन होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी छोड़ रहा है, ऐसे तो नहीं छोड़ रहा, भले आपकी गलती हो या ना, लेकिन वो रीजन देगा, ठीक है। उसके बाद वो जब आपको छोड़ेगा तो पहला ये उसके माइंड में थॉट आता है कि ये खुद मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा, इसलिए छोड़ के चला गया, पहले वाले पॉइंट में। दूसरे वाले पॉइंट में उसके माइंड में गुस्सा होता है कि मैं करूंगी नहीं इसको कॉन्टेक्ट, बहुत ज्यादा इरिटेट कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया इसने, तो ये दूसरा वाला थॉट्स होता है उसके माइंड में जब वो चलता है, उसके माइंड में जब ये वाला थॉट होता है उसके माइंड में कि ये खुद मेरे को कॉन्टेक्ट करेगी, ये खुद मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा, ये आएगा मेरे पास, ये आएगी मेरे पास, इसको मेरी जरूरत है, ये सेकंड वाला उसके माइंड में थॉट चलता है कि वो गुस्से में होता है सेकंड वाला थॉट में। ये भी कब आता है, जो स्टार्टिंग है 10-12 दिन होता है तब ये वाला थॉट होता है। फिर आगे वाला हम आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। फिर उसके बाद जब 10-15 दिन हो जाएगा, और जैसे मैंने बताया आपको ये वीडियो उनके लिए जो नो कॉन्टैक्ट रूल सही से फॉलो कर रहे, जो अपने पार्टनर को ब्रेकअप के बाद कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, जो उसको परेशान नहीं कर रहे या फिर उसको इरिटेट नहीं कर रहे, उसको पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया, ना देख रहे हो कहाँ जा रहे, कुछ नहीं देख रहे, सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहे हो, फिर उनके लिए तीसरा वाला पॉइंट आता है कि उसका जो पार्टनर, उसको डर सताएगा आपको खोने का, थर्ड वाले पॉइंट में। हाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डर कब सताता है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले वाले पॉइंट में बताया कि सामने वाला इंसान पूरी तरीके से शोर होता है, वो ये आएगा, ये मेरे पास आएगा क्योंकि हमेशा ये कांटेक्ट करता है, हमेशा ये मेरे पास आती है, हमेशा ये मेरे पास आता है, उसको पूरी तरीके से श्योरिटी होती है, ठीक है।
सामने वाले इंसान को, फिर वो क्या करता है कि ये आएगा ना, ठीक है ना, ये कहाँ जाने वाला, फिर दूसरे वाले में वो गुस्से में होता है क्योंकि उसको ऑलरेडी सारी चीजें उससे गुस्सा है, लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में उसको डर सताता है कि यार डर क्यों सताता है, क्योंकि 10-12 दिन हो गया अभी तक आपने उसको ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आप सामने से कॉल कर देते हो, उसने इसी थॉट से आपको ब्लॉक किया था, इसी थॉट से आपको छोड़ा था कि ये कॉन्टैक्ट मतलब ये मेरे को छोड़ेगा नहीं, खुद आएगा मेरे पास। लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल सही से फॉलो करते हो 10-15 दिन के लिए, 25 दिन के लिए उस इंसान से पूरी तरीके से दूर रहते हो, सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, ना उसके बारे में जानोगे, ना उसके बारे में किसी को पूछोगे, ना उसके बारे में मतलब वो कोशिश करोगे जानने की या फिर देखने की वो कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, अगर आप इसके बारे में मतलब बिल्कुल कोशिश ही नहीं करोगे, तो थर्ड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसको सताएगी याद, उसको सताएगी फिर आपको खोने का डर, उसको आपको खोने का डर सताएगा, सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा कि यार मतलब ये जो लड़की है मेरे पीछे पागल थी, ये तो खुद मेरे को कांटेक्ट करती, या फिर ये खुद मेरे को कांटेक्ट करता, ये क्यों कांटेक्ट नहीं कर रही, ये क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहा मेरे को, तो उसको डर सताएगा आपको खोने का, फिर वो डरेगा आपको खोने से, यार ये लड़की ने मेरे को छोड़ तो नहीं दिया, या फिर लड़की आएगी नहीं, क्योंकि उसको तो पहले कॉन्फिडेंस था फर्स्ट वाले में कि आएगी, लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल और अगर आप सही से फॉलो करते हो नो कॉन्टैक्ट रूल, मतलब जब आपको पता है कि हमारी गलती नहीं है तो हम कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, जब आप पूरी तरीके से श्योर होते हो, तब सामने वाला जो इंसान है उसके अंदर डर आ जाता है आपको खोने का कि भाई ये सच में कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, 15 दिन हो गया आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, ये आएगा नहीं आएगा, ये डर उसको सताने लग जाता है थर्ड वाले पॉइंट में उसके माइंड में, क्योंकि जब आप 15-20 दिन उसको अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि आप तुरंत कांटेक्ट कर देते हो, लेकिन आपने कांटेक्ट नहीं किया, तो फिर 15-20 दिन के बाद उसको ये डर सताने लग जाएगा कि ये इंसान आएगा नहीं। फिर उसके बाद आगे क्या होगा फोर्थ वाले पॉइंट में वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाला जो पॉइंट रहेगा उसके माइंड में जो चलेगा वो खुद आपको कांटेक्ट करने की सोचेगा, खुद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, खुद आपको कांटेक्ट करने का ट्राई करेगा, मतलब जैसे क्या होता है देखो, थर्ड वाले पॉइंट में होगा कि उसको डर आ जाएगा खोने का, फिर भी फिर उसको लगेगा यार ये आएगा नहीं आएगा, फिर वो 20 दिन हो जाएगा, फिर वो सोचेगा यार देखते हो क्या कर रहा है, जब वो देखेगा थर्ड वाले पॉइंट मतलब थोड़े समय के बाद 20-25 दिन के बाद कि ये क्या कर रहा है, वो देखेगा कि आप खुश हो और आप नॉर्मल लाइफ इंजॉय करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर सामने वाला जो इंसान है उसको डर आ जाएगा खोने का, जो मैंने थर्ड वाले पॉइंट में। फिर उसके बाद जो फोर्थ वाला पॉइंट आता है उसमें वो क्या करेगा, खुद आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि 25 दिन हो गए, तो ऐसे नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे वर्क करता है, 25 दिन हो गए इसे कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने इसको छोड़ा था, ये खुद आएगा लेकिन ये आया नहीं, उसको गुस्सा था कि मैं नहीं कॉन्टैक्ट करूंगी, थर्ड वाले पॉइंट में था कि यार ये छोड़ तो नहीं देगा, खोने का डर आएगा, नहीं यार नहीं जाएगा, थोड़ा सा डर होता है कि यार चला तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, थर्ड वाले पॉइंट के बाद वो चेक करता है कि आप क्या करो, जब आपको देखेगा कि आप खुश हो बहुत अच्छे से इंजॉय करो, कोई बताएगा यार तेरा बंदा तो अच्छा इंजॉय कर रहा है, तेरी बंदी तो अच्छी इंजॉय कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोस्तों से बात कर रही है या फिर अच्छे स्टेटस लगा रही हो, तो घूम रही हो तो घूम रहा है, फिर उसको डर आएगा, फिर वो सोचेगा कि मेरे बिना कैसे खुश, यार मैं तो उसको छोड़ना चाहती थी, मैं ब्रेकअप करना चाहती थी, मैं ब्रेकअप करना चाहता था और यहाँ पे तो उल्टा हो गया, ये मेरे मतलब ये मेरे को छोड़ना चाह रहा है, या फिर यहाँ पे तो सारा गेम मेरे पे उल्टा हो गया, फिर वो डरेगा कि यार यहाँ पे तो ब्रेकअप हो जाएगा, ये मेरे को छोड़ देगा, ऐसा नहीं, इंसान नहीं चाहता, ह्यूमन नेचर कितनी भी वो इरिटेड हो, कितना भी गुस्सा हो जाए आपसे, लेकिन जब मैंने ऐसे ऐसे रिश्ते देखे और ऐसे ऐसे रिश्ते ठीक किए जहां पे लोगों को धोखा मिलता था, मैं खुद बताता हूं कि धोखा खाया भाई छोड़ दे उस बंदी को, फिर भी लोग नहीं छोड़ते, लोग क्या करते नहीं मानते, ऐसे ऐसे रिश्ते मैंने देखे, तो क्या होता है कि लोग ये नहीं देखते कि आप क्या हो, आपने क्या इरिटेट किया, आपने उसके साथ क्या किया, ये नहीं देखते, अगर साइकोलॉजी सही से वर्क करी सामने वाले इंसान को ये चीज ह्यूमन ना सहन नहीं कर पाता, इंसान के अंदर एक नेचर दिया है भगवान ने पहले से कि उसको रिजेक्शन नाम की जो चीज है उससे बहुत ज्यादा इरिटेट, रिजेक्शन मेरे को छोड़ रहे, तो उसको ये डर आएगा कि मेरे को छोड़ना चाहता है, ये 25 दिन हो गए इसे कॉन्टेक्ट नहीं किया, तो फिर वो फोर्थ वाले पॉइंट में खुद आपको कांटेक्ट करेगा, खुद आपको मैसेज करेगा सामने से, कब, लेकिन ये सारी चीजें लोग बोलेंगे कमेंट करके, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें तब होती है जब सच में नो कांटेक्ट रूल सही से फॉलो करते हो। नो कांटेक्ट रूल सही का मतलब होता है, मैंने वीडियोस में बताया पूरा एक्सप्लेन करके कि नो कॉन्टैक्ट रूल का सही मतलब होता है कि जो सामने वाला इंसान है उस इंसान को ये दिखा देना कि तुम उसके बिना भी खुश हो, दिखावे के लिए नहीं कि तुम उसको दिखा रहे हाँ मैं उसके सामने खुश हूँ, अच्छे स्टेटस लगा रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, आपको अंदर से वाइब्स आनी चाहिए। अब मैंने कल एक कम्युनिटी पे एक फोटो शेयर किया था कम्युनिटी में, जहां पे एक रिजल्ट आया था एक लड़की का, उसने सेम टू सेम मैंने जो चीजें बताया उन चीजों को अपनी लाइफ में डाल दिया, उसे कोई टिप्स नहीं ली ना कोई फॉलो किया, जो मैंने चीजें बताया उसको खुश रहना सीखो, अंदर से सच में खुश रहो, तुम खुश रहोगे तो दुनिया खुश रहेगी, तुमसे खुद लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, जब तुम खुद से प्यार करोगे, तो उसने वो सारी चीजें फॉलो की, नेचर ने उसको सपोर्ट किया, जो पॉजिटिव वाइब्स होती है तो नेचर भी आपको साथ देता है और आपको जो भी चाहिए वो चीज आपको मिल जाती है, जो पार्टनर को आप लाना चाहते हैं, फिर जिसको यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है साइकोलॉजी भी कहती है, लेकिन खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये फोर्थ वाला पॉइंट इसीलिए मैंने बताया, आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं, ये सारी चीजें खाली इस वीडियो में बता जा रही, लेकिन इसके पीछे का जो सब कुछ मटेरियल है वो नो कॉन्टैक्ट रूल वाली वीडियो में, तो नो कॉन्टैक्ट रूल वाली वीडियो देखोगे तभी जाके वीडियो आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि ये चार चीजें जो उसके माइंड में चलती ब्रेकअप के बाद, अगर आप सही
सही से नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं, तो सही से अगर आप उस इंसान से दूर रहते हो और सही से आप बिना डरे उसको छोड़ना, अगर आपको ये भी होता कि छोड़ भी देगी चली भी जाएगी कोई डर नहीं, अगर ऐसे रहोगे तो डेफिनेटली चार चीजें होंगी, मतलब होगी साइकोलॉजी में सारी चीजें होती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि उस इंसान के माइंड में ये सारी चीजें आती है आफ्टर ब्रेकअप, जब आप ये नो कॉन्टैक्ट रूल सही से फॉलो करोगे। अगर आप भाग रहे हो तो फिर भूल जाइए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।